Good morning all of you. Welcome to DSNL School. Myself Swati Mahabhar. Today we start chapter number 1 in economics. The name of the chapter is the story of village Palanpur. We start with the 4th part of this chapter. Come to the page number 6. Now लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टू फोर्टी फैमिलीज़ जो थी वो कल्टीवेट करती थी स्मॉल प्लॉट्स ये देखो यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे प्लॉट्स दे रखे हैं तो इन छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर और ये कॉर्नर है ये गांव का कॉर्नर है ठीक है कॉर्नर के अंदर जो दलित फैमिलीज़ थी उनको अलग से कॉर्नर के ऊपर छोटी छोटी ज़मीनें दे दी गई थी और ये इन्हीं पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर अपना प्रोडक्शन करते थे तो जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन क्या होता था कम होता था आया समझ में आप लोगों को नाउ यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैट अराउंड द विलेज इन द पिक्चर अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया है उसके अंदर क्या था कि विलेज के कॉर्नर के अंदर छोटे छोटे प्लॉट्स वहाँ पर लोगों ने बना रखे थे और उसी के ऊपर वो लोग कल्टिवेशन करते थे दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स ठीक है जो छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे उसके ऊपर कल्टिवेशन सिर्फ कौन करता था स्मॉल फार्मर्स करते थे ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज़ इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज अब दूसरी ही जगह पे क्या थे बड़े बड़े लैंड थे ये देखो बड़ा बड़ा बड़ कल्टिवेबल एरिया है ये जो लार्ज लैंड है वो किसके कंट्रोल में थे जो रिमेनिंग जो फैमिलीज थी 450 के अंदर जैसे 300 जो रिमेनिंग फैमिलीज़ थी उन फैमिलीज़ के पास में इतना बड़ा एरिया कल्टीवेशन का था ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज और आधा से ज्यादा गाँव तो इन्होंने ही कवर कर रखा था इन पालनपुर देयर आर सिक्स फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन टू हेक्टेयर ऑफ लैंड अब इस पालनपुर गांव के अंदर क्या था कि सिक्सटी फैमिलीज ऐसी थी जिसके पास में मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे जो पूरे एरिया के ऊपर कल्टीवेशन करते थे टोटल टू हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया के अंदर ये लोग कल्टिवेशन करते थे अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैड हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर टेन हेक्टेयर्स और मोर ठीक है जो लार्ज फार्मर्स थे उनके पास टेन हेक्टेयर्स से भी ज़्यादा ज़मीन थी मीडियम वालों के पास कितनी थी टू हेक्टेयर्स के करीब और जो लार्ज फार्मर्स थे जो अच्छे रिपोर्टेड फार्मर्स थे उनके पास में कितनी थी टेन हेक्टेयर्स से भी ज़्यादा नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज हु विल प्रोवाइड द लेबर अब लेबर कौन प्रोवाइड करता था ठीक है जो स्मॉल फार्मर्स होते थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती थी वो लोग लेबर प्रोवाइड कराते थे, थे किसको मीडियम और लार्ज फार्मर्स को आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड के बाद लेबर जो है नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क फार्मिंग जो है उसके अंदर हार्ड वर्किंग होती है बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है स्मॉल फार्मर्स एलोंग विद देअर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में उस, पर्टि, उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कल्टिवेशन करते थे दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग डैमसेल्स ठीक है और फार्मिंग के लिए भी वो लेबर प्रोवाइड कराते थे मतलब खुद की छोटी मोटी जो जमीन होती थी उसके ऊपर भी कल्टिवेशन करते थे साथ में जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे उनके पास भी जा कर के वो लोग अपना लेबर का काम करते थे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देअ फील्ड ठीक है जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो उनको हायर करा करते थे अपने ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए फार्म लेबर्स काम आइडर फ्राम लैंड फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड अब जो फार्म लेबर्स थे वो या तो उन जमीनों के ऊपर काम करते थे जो लैंड लेस फैमिलीज थी जिनकी खुद की कोई ज़मीनें नहीं होती थी ठीक है या फिर जिनके पास छोटा एरिया होता था प्रोडक्शन करने का आया समझ में जिनके पास प्रोडक्शन करने का बहुत कम एरिया होता था या फिर जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी वही फार्मर्स दूसरे की फील्ड के ऊपर एज अ लेबर जा कर के काम करते थे अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड अब वो वहाँ पर ऐसा लेबर जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया उसके ऊपर उनका हक है उनका उस प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी हक नहीं होता था उनको तो जो पेड जो था कितने कितना रुपये दे, दे पर डे का जो उनको देना होता था वही वो फार्मर उनको देता था इंस्टेट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क जिसके लिए वो काम करते थे उसके द्वारा उनको पेड वेजेस वेजेस जानते हो ना पर डे का जो दिया जाता है तो वेजेस उसको दिए जाते थे वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड दैट इज क्रॉप्स वेजेस उनको कैश भी दिया जाता था और काइंड यानी कि क्रॉप के फॉर्म में भी उनको वेजेस दे दिया जाता था कभी कभी उनको प्रोडक्शन का जो भी यूनिट होता था वो दे देते दे थे, थे कुछ पार्ट प्रोडक्शन का वेजेस वर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्राम क्रॉप टू क्रॉप फ्राम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर अब जो बेजेस होते थे वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग होते थे एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के अलग होते थे एक फार्मर से दूसरे फार्मर के भी अलग होते थे देर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ, बहुत बड़ा वेरिएशन होता था जैसे कि जब काम होता था जब उनको बुला लिया जाता था और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता हार्वेस्टिंग हो जाती वैसे ही उनको काम से हटा दिया जाता था अब फार्म लेबर माइंड बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस डेली बेसिस पे उसको काम मिलता था जितने दिन आएगा उतने दिन का पैसा उसको मिलेगा और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग या फिर उसको सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए बुलाया कि फसल काटने के टाइम पे तुम तो आ जाना बाकी पूरे साल उसको नहीं बुलाते थे और फॉर द होल ईयर या फिर कोई कोई होते थे जो पूरे साल के लिए बुलाते थे दल इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्कस ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर ठीक है डाला जो था वो क्या था एक लेबर था जो लैंडलेस फार्मर था जो डेली वेजेस पर काम करता था दिस मीन्स हिज ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क ठीक है अब डेली वेजेस पर जो काम करता है उसको रोज काम की तलाश होती है उसको कब काम से हटा दिया जाए उसको खुद को नहीं पता रहता था तो वो हमेशा काम की तलाश रह में रहता था कि मुझे अगर यहाँ से काम पे हटा देंगे तो दूसरी जगह मैं कहाँ जाके काम करूँगा द मिनिम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाई द गवर्मेंट इज रुपीज़ थ्री हंड्रेड पर डे अब जो मिनिमम वेजेस थे वो तो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि तीन सौ रुपये पर डे से ज़्यादा कम कोई भी किसी भी लेबर को नहीं देगा बट डाला डाला गैट्स ओनली रुपीज़ वन सिक्सटी लेकिन गवर्नमेंट के फिक्स करने के बाद भी उसको पर डे का सिर्फ कितना पैसा मिलता था वन सिक्सटी रुपीज देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालनपुर सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस अब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था यानी कि काम कम था और काम करने वाले लोग क्या थे ज़्यादा थे जिसकी वजह से कम पैसों पे भी वो काम करने को तैयार थे डाल कम्पलेन अबाउट हि सिचुएशन टू रामकली हुईज अनाद फार्म लेबर ठीक है डाल ने क्या करा अपनी कंप्लेन की रामकली को जो दूसरी फार्म लेबर थी कि मुझे देखो इतना कम पैसा मिलता है बोट डाल एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द व और ये दोनों ही क्या थे पूरे विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब थे ठीक है नाउ ये क्वेश्चंस पढ़ लेना आप लोग ठीक है वाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर पुअर क्यों थे सी बात है उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी बहुत छोटा एरिया था उनके पास कल्टिवेशन करने के लिए जिसकी वजह से वो क्या थे पुअर थे गोसाईपुर एंड मजौली आर टू विलेज इन नॉर्थ बिहार अब नॉर्थ बिहार के दो गाँव की बात हो रही है गोसाईपुर और मजौली आउट ऑफ अ टोटल ऑफ एट फिफ्टी हाउस होल्ड इन द टू फैमिलीज देयर आर मोर दैन टू फिफ्टी मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन डेली आठ सौ पचास फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे फैमिलीज हैं ठीक है जिसमें से दो सौ पचास जो हैं मैन वो काम करने के लिए कहाँ जाते हैं पंजाब हरियाणा और डेली मुंबई सूरत हैदराबाद एंड नागपुर ठीक है एट फिफ्टी फैमिलीज़ के टू फिफ्टी जो हैं वो इन सब एरियाज़ के अंदर प्रोडक्शन के लिए जाते हैं सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेज़ अक्रॉस इंडिया और इस तरह का जो माइग्रेशन है माइग्रेशन क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है माइग्रेशन कहलाता है तो ये जो माइग्रेशन था वो आसपास के गाँव के अंदर देखने में क्या था पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या है कॉमन है ठीक है मोस्टली गांव के जो लोग होते हैं उनको जब गांव के अंदर काम नहीं मिलता है तो वो काम करने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं वाई डी पीपल माइग्रेट क्यों माइग्रेट होते हैं पैसे कमाने के लिए ताकि अपना लाइवलीहुड अपने फैमिली को की एक्सपेंडिचर वो निकाल सके कैन यू डिस्क्राइब द वर्क दैट द माइग्रेंट ऑफ गोसाईपुर एंड मजौली माइट डू एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या आप बता सकते हैं कि उनका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर जा के वो काम करते हैं वहाँ पर वो किस तरह के काम करते हैं किस तरह से उनको वहाँ पर पैसे कमाने का अर्निंग करने का वहाँ पर मौका उनको मिल पाता है कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को आगे एक्सपेंड करते हैं आया समझ में आप लोगों को माइग्रेशन समझ में आ गया ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब काम की तलाश में लोग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है माइग्रेशन और क्यों जाएंगे क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता है तो वो काम ढूंढने के लिए उस दूसरी जगह पर जाकर के रहने लग जाते हैं ठीक है ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का अब आगे का जो रिमेनिंग है वो हम सिक्स पार्ट में कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे होम स्टे सेफ